प्रदेश में आसमानी आफत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट हो चुका है। सीएम सुक्खू ने लोगों से अपील की है एकजुट होकर करें सरकार का सहयोग। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में 2500 बिजली स्टेशन प्रभावित हुए हैं। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। और लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं। जो आंकड़े अभी हमारे सामने निकल कर आए हैं कि करीबन जो है 765 रोड्स प्रदेश के अंदर हमारी जो डिपार्टमेंट की है वो इससे प्रभावित हुई है, जो ब्लॉक हुई है, और हमारा अनुमान है कि कल तक जो है 530 सड़कें खोल दी जाएगी और उसके बाद परसों तक 205 सड़कें खोल दी जाएगी और फिर ग्रेजुअली और सड़कें भी खोल दी जाएगी। बट दैट डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस इन द नेक्स्ट 2 डेज। वैसे ही प्रदेश के अंदर जो बिजली के स्टेशंस है करीबन 2500 जो है वो इसमें अफेक्ट हुए हैं। तो जिस हिसाब से बारिशें हुई है नुकसान भी काफी हुआ है, खासकर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, हमारे पेयजल योजनाएं हैं, हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, इन पे भारी असर पड़ा है। और बहुत सारे हमारे बागवानों का भी नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, उनके जमीनें बह गई है, बगीचे बह गई है, तो मकानों का नुकसान हुआ है। लोकल पुलिस, लोकल होमगार्ड्स और हमारा प्रशासन जो है रेस्क्यू के काम में बेहतरीन काम कर रहा है। जिस हिसाब से लोग फंसे हुए थे, जैसे कुल्लू में थे, मनाली में थे, इधर मंडी के इलाके में थे, जो जहां जहां भी लोग स्टैंडर्ड थे, कहीं जो है टापू के बीच में चारों तरफ से पानी से थे, उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। शिमला जिला भी काफी हद तक प्रभावित है, हालांकि सड़कें भी, जहां तक एनएच की बात करूंगा, चाहे वो रामपुर की बात है, हाटकुटी रोडू की बात है, चली तो है लेकिन बीच बीच में बंद होने की भी कई इस तरह की बातें सामने आ रही है। कारण यही क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ, प्रत्याशित आपकी वर्षा हुई है जो वर्षों से देखी नहीं गई थी। और मेरी यही सभी हमारे जो यातायात कर रहे हैं उन सबसे करबद्ध निवेदन है कि स्थिति को